हेलो एवरीवन, आप सीए फाउंडेशन देने वाले हैं वेरी सून। आप सीए फाउंडेशन के अपने पूरे प्रेपरेशन को एक फाइनल रिवीजन की तरफ ले जाने वाले हैं, तो आइए इसी के बारे में आपको थोड़ा सा, एक ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एग्जाम पास है ऑलरेडी, बहुत ज्ञान लास्ट 5-7 महीने में दे चुका हूं। दो तीन बातें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए, बिकॉज दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। कम से कम 8 से 12 मार्क्स का फायदा होने वाला है जो अब मैं बोल रहा हूं, अगर आप सुन लें। नंबर 1, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कई मैसेजेस आते हैं, सर ये चैप्टर छोड़ दें, सर वो चैप्टर छोड़ दें। आई वुड एडवाइज डोंट डू दैट। स्पेशली कौन से 3 चैप्टर आप छोड़ने का सोच भी नहीं सकते हैं? लुक एट द स्क्रीन एवरीवन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी लॉ एंड पार्टनरशिप, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी पार्ट है उसमें यहाँ 3 से आने के अच्छे चांसेस हैं। कल को एग्जाम में उन लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट से क्वेश्चन 1C दे दें तो आप केस नहीं कर पाओगे, बिकॉज दीज आर प्रेडिक्टेबल पेपर पैटर्न्स, बट नॉट 100% गारंटी कि यही पैटर्न आएगा। ये पैटर्न मैंने इंस्टीट्यूट के रीसेंट मॉक टेस्ट पेपर्स, 2 मॉक टेस्ट उन्होंने रिलीज किया था एग्जाम के पहले पहले भी, तो उस पैटर्न को देखकर मैंने निकाला है कि क्वेश्चन 1A से इन लोग केस स्टडी दे रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 7 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर B से भी 7 मार्क्स का केस स्टडी दे रहे हैं इन लोग। क्वेश्चन नंबर C 6 मार्क्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। सो ऑन दैट पैटर्न आई एम टेलिंग दैट यहां से आप देखोगे कि ये 3 चैप्टर्स आप छोड़ नहीं सकते। सर कंपनी लॉ में एक बात स्टूडेंट्स पूछना चाहता है, मैं केस स्टडी कैसे प्रैक्टिस करूं? तो आई एम एश्योरिंग यू, कंपनी लॉ के सारे केस स्टडीज ये 6 डेफिनेशन से बहुत आते हैं। स्मॉल कंपनी पर कई बार केस स्टडी आता है जो डेफिनेशन बेस्ड केस स्टडी है। डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, होल्डिंग सब्सिडरी एक मान रहा हूं, एसोसिएट एक मान रहा हूं, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये डेफिनेशंस छोड़ना नहीं है, सब करना है जो पढ़ाया गया है, पर ये 5 डेफिनेशंस आपके आंसर में है। सेकेंड केस स्टडी जो मैं देख रहा हूं कंपनी लॉ से आता है, कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर कुछ केस स्टडी आते हैं जो आप मेरे बुक में डॉक्ट्रिन्स वाले चैप्टर के एंड में देखोगे, या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, चाहे दिनशॉ मैनेक जी पेटिट हो या गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न हो, या और भी जो केस स्टडीज थे। देन वो जो 3 डॉक्ट्रिन्स है ना, इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्ट्रा वायर्स, स्पेशली अल्ट्रा वायर्स, यहां से घूम करके केस स्टडी आ रहा है जिसमें डॉक्ट्रिन्स ही स्टेट करना पड़ता है समझाते हुए। तो ये करने से आपका कंपनी लॉ के सारे केस स्टडीज आप आराम से क्रैक कर सकते हो। ओपीसी में कौन मेंबर बन सकता है, कौन नॉमिनी बन सकता है? आप एक में मेंबर, एक में नॉमिनी बन सकता है, और बाई चांस जहां नॉमिनी है वहां भी अगर आप मेंबर बन जाए तो 180 दिन के अंदर डिसीजन लेना पड़ता है। कन्वर्जन ऑफ ओपीसी, ये वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये जो मेरे मुंह से निकला है ना, ये अगर आप कर लेते हो तो कंपनी लॉ के सारे क्वेश्चंस इस मैट में, इस पैटर्न में जो भी आप देख रहे हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 2, 3, ये सब आप आराम से कर लोगे। तो कौन से 3 चैप्टर्स आप छोड़ नहीं सकते, वो पहले तो क्लैरिटी आ गई, ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बहुत वास्ट है, तो इसको आप रिवाइज कैसे करोगे? आप मेरे रीसेंट चार्ट बुक वाले जो रिविजन है ना, जो बहुत क्रिस्प रिविजन है, एक रिविजन था केस स्टडी सुपर क्वेश्चन बुकलेट को यूज करते हुए, एक रिविजन है चार्ट बुक रिविजन, वो लास्ट दिनों में बहुत सुनना चाहिए। केस स्टडी रिविजन तो आप, आई एम अज्यूमिंग आपने कर लिया होगा, बट चार्ट बुक रिविजन से क्या होगा कि वो क्रिस्प चार्ट और सारे पॉइंट्स एग्जाम के एक दिन पहले कैसे इकट्ठा रह सके कम टाइम में, बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले आप 9-9 घंटा का मैराथन प्ले कर लोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो यू हैव टू सेव योर टाइम एंड इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, तो ये तभी पॉसिबल है अगर आप मेरे चार्ट बुक वाले रिविजन्स को कर लो। तो देखोगे यहां पर सब एरिया से आ रहा है, LLP से एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैंने देखा है, और आपको पता भी है कौन सा आने वाला है। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन एक LLP से आ जाते हैं, फिर वो पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर के रिक्वायरमेंट के ऊपर, फिर कुछ कॉमेंट टाइप क्वेश्चन की LLP से फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गंदा सा क्वेश्चन है, फिर इफेक्ट्स ऑफ LLP रजिस्ट्रेशन 4th क्वेश्चन, एंड LLP में लाइबिलिटी क्या होगा, LLP का कैसे मीट होगा, क्या एक पार्टनर ऑफ LLP क्या दूसरे पार्टनर का एजेंट है, LLP का एजेंट है, ये वाला क्वेश्चन जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला। बस यानी 6-7 क्वेश्चन आप LLP में करो, ये 4 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पक्का हो जाता है। बाकी आप देख रहे हो कहाँ कहाँ पर क्या क्वेश्चन है। नाउ NI एक्ट जो मैं देख पा रहा हूँ, NI एक्ट से इन लोग 2 क्वेश्चन आपके ब्लॉक कर सकते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 NI एक्ट से है एंड क्वेश्चन नंबर 6। और यहां पे व्हाट आई हैव सीन
इन द पैटर्न ऑफ टू मॉक टेस्ट एंड आरटीपी, प्रेजेंटमेंट वाला जोन और एमटीपी आरटीपी के सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे एनआई एक्ट में, तो वो 6 क्वेश्चंस जो मेरे मार्क्ड पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ऐड करवा दूंगा, वो मिस नहीं होना चाहिए। एंड एक निगलेक्टेड एरिया है पर वो उसको करने में 20 मिनट लगेगा और 6 मार्क्स श्योर है, कौन सा सर? सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ के 4 क्वेश्चंस हैं, वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड टाइप्स ऑफ वेरियस लॉज, वो पैराग्राफ्स और ब्रैकेट्स किए हुए हैं, मैंने मार्क पीडीएफ भी भेजा है, कर लीजिए। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर क्या कवरेज होता है वो वाला जोन भी। तो सोर्सेज ऑफ लॉ क्योंकि क्वेश्चन 4 में आपको एक ब्लॉक कर देगा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 अच्छे से सोर्सेज ऑफ लॉ को करके जाइएगा जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 में रिफ्लेक्टेड है। इसका भी मार्क्ड पीडीएफ मेरा मार्किंग्स का आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप वीडियो का आप देखोगे एमटीपी आरटीपी का मार्क्ड पीडीएफ, चार्ट बुक के मार्क्ड पीडीएफ और इंस्टीट्यूट मैट के चैप्टर 1 का मार्क्ड पीडीएफ मैं सारे अटैच करने वाला हूँ। सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो नया ऐड हुआ था न्यू सिलेबस में वो बहुत अच्छे से करना अगेन, बिकॉज 2 क्वेश्चंस यहाँ पे भी ब्लॉक हो रहे हैं आपके, इंडेमनिटी गारंटी एजेंसी बेलमेंट ये वाले जोन जो है ना वो यहाँ पर भी ब्लॉक हो रहे हैं आपके, तो बहुत अच्छे से आपको करके जाना पड़ेगा ये एजेंसी बेलमेंट। और इसमें भी आपको पता है वो 4 क्वेश्चंस जो मैं बार बार बोलता हूँ कि कौन से वो 4-5 क्वेश्चंस हैं या डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इरिवोकेबल एजेंसी एजेंसी बाय रेटिफिकेशन ड्यूटीज ऑफ एजेंट कंटिन्यूइंग गारंटी का रिवोकेशन, तो ये 5-6 क्वेश्चंस कर लो तो काम हो जाता है। सर वापस बोलिए, रिवाइंड कर लेना वीडियो को, तो मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव टू डू क्वेश्चन 1 एंड एनी 4 फ्रॉम द रेस्ट। एक रिमाइंडर, पैराग्राफ चेंज करना बहुत जरूरी है ताकि आप पार्ट मार्किंग में कम से कम बहुत कुछ टान सको, और इस बार इन्होंने अच्छा किया, क्वेश्चन बहुत 7-7 मार्क्स के कर दिए, यानी आपको बहुत एक्सप्लेन और एक्सप्रेस करने का स्कोप आंसर्स में मिलेगा। और ज्यादातर क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो पैटर्न में डायरेक्ट क्वेश्चंस काफी कम है, केस स्टडी ज्यादा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस काफी कम है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वहां डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं 2 ठो, बट इन मोस्ट अदर क्वेश्चंस 5 एंड 6 में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जहां स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व है वहां से इन्होंने डायरेक्ट रखा है। एनआई में भी इन्होंने एक डायरेक्ट भी रखा है, बट नहीं एनआई में केस स्टडी रखा है, बट बाकी आप देखोगे दे हैव मेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द केस स्टडी फॉर्मैट। सर लेंथ ऑफ द आंसर क्या होना चाहिए ऐसा कोई सूत्रों में या मापदंड लॉ में भी नहीं लिखा है, बट बहुत एक्सप्रेसिव तरीके से जहां पे पहले आप एज पर विच एक्ट समझाओगे, गिवन केस समझाओगे, कंक्लूजन समझाओगे, तो ट्राई टू मेक इट क्वाइट इम्प्रेसिव, एक्सप्रेस करो लॉ को जैसे क्लास में सिखाया गया था। एंड अभी भी टाइम है, आप चार्ट बुक रिविजन एंड वो केस स्टडी रिविजन क्लासेस को देखो instead of reading each and every line and making your own research work, rely on our resources which we have created for you. Thank you so much. And mock test marked PDF, तीसरी बार बोल रहा हूँ, उसको देखना मत भूलना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है, उसमें गुड गुड टिपिकल बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मैंने लिखे हैं जो अकेले में तुम अपने आप नहीं कर पाओगे। ओके फुल पेज वंस, सो दिस इज द पैटर्न विच वी हैव गैदर्ड फ्रॉम आवर एनालिसिस। फिर भी और भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड वेरी सून हम लोग सीए इंटर ऑल पेपर्स सारे पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, हम लोग जल्दी मिलेंगे। एक स्टे अहेड बैच भी होता है विच जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो कि दे आर गोइंग टू क्लियर आफ्टर 10 डेज ऑफ एग्जाम दे कैन ज्वाइन दैट बैच ऑल्सो। एनीवेज अभी हम लोग फोकस फाउंडेशन पर करते हैं, ये है क्वेश्चन 1 का, एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, 2, 3, 4 5 एंड 6 फोन नंबर नीचे दिया हुआ है, और भी कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप ऑडियो या क्वेरी आप भेज सकते हो। स्टार्ट ऑब्जर्विंग, चलिए थैंक यू सो मच, बाय।